फैटी लिवर, जिसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज या फिर हिपैटिक स्टियाटोसिस भी कहते हैं, अगर सरल भाषा में कहें तो लिवर जो है, लिवर में फैट नॉर्मली नहीं प्रेजेंट रहता। फैट मतलब चर्बी। अगर फैट लिवर में चर्बी डिपॉजिट होने लग जाए तो उसे फैटी लिवर कहते हैं। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। हम लोग जिस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, जो खाते हैं, उस चीजों से रिलेटेड रहता है। तो अगर कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब जो ऑफिस में काम करता है या डेस्क पे काम करता है, जिसका कुछ चलना नहीं हो रहा, कुछ एक्सरसाइज नहीं हो रहा, बिल्कुल ही सुस्त रह रहा है, या फिर खाने में काफी ऑयली खाना, फ्राइड खाना, फास्ट फूड आ रहा है, तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करते हैं और ये सब फैटी लिवर की तरफ जाती है। फैटी लिवर जो है, कुछ लोग ज्यादा प्रोन रहते हैं उसके लिए, जिनमें बेसिकली डायबिटीज है, type 2 diabetes, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है, फिर PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि काफी कॉमन रहता है फीमेल्स में वो, और जिनमें मोटापा रहता है, ओबेसिटी रहता है, तो इन सब लोगों में फैटी लिवर होने की संभावना ज्यादा रहती है। डायग्नोसिस की बात करें तो फैटी लिवर का डायग्नोसिस जो है, हम लोग सोनोग्राफी से करते हैं। सोनोग्राफी जो पेट की करते हैं हम लोग, उसमें एक स्पेशल टाइप रहता है जिसको फाइब्रोस्कैन या फिर इलास्टोग्राफी भी कहते हैं, जिससे हम लोग को पता चलता है कि हमारी लिवर जो है वो कितनी कड़क हो गई है। नॉर्मल लिवर जो रहती है वो सॉफ्ट रहती है, कड़क नहीं रहती। जैसे जैसे वो स्टिफ होते जाती है, जब फैट डिपोजिशन होता है उसमें, चर्बी जब जम जाती है वहां पे, तो वो कड़क होने लग जाती है, तो उससे पता चल जाता है कि वहां पे फैट डिपॉजिट हो गया है और इस पर्सन को फैटी लिवर है। अगर हम लोग 100% श्योर होना चाहते हैं तो लिवर बायोप्सी जो रहता है, जिसमें लिवर का टुकड़ा लेके जांच करते हैं, वो 100% डायग्नोसिस देगा, पर वो रूटीनली किया नहीं जाता क्योंकि वो एक इन्वेजिव प्रोसीजर है। अगर किसी पर्सन को फैटी लिवर है तो ज्यादातर के उसको कोई सिम्टम्स नहीं रहेंगे। बहुत ही कम ऐसे लोग रहते हैं जिनमें अगर लिवर का साइज ही बढ़ गया तो उनको थोड़ा पेट में दर्द होना, हल्का सा खिंचन लगना वगैरह रह सकता है, या फिर वरना मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो फैटी लिवर अकेले, फैटी लिवर के कोई सिम्टम्स नहीं रहते। फैटी लिवर ट्रीटेबल है और ये बहुत जरूरी है कि हम लोग सही वक्त पे उस पर इलाज करें, क्योंकि फैटी लिवर जो है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज एक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम मतलब एक माइल्ड डिजीज से लेते हुए सिरोसिस तक ये जा सकता है। तो स्टार्टिंग स्टेज रहती है फैटी लिवर। अगर फैटी लिवर के वक्त हम लोगों ने अगर कंट्रोल नहीं किया हम लोग का खाना पीना और एक्सरसाइज अगर हम नहीं करते, तो आगे जाके नैश, जो कि नॉन अल्कोहलिक स्टियाटोहेपेटाइटिस, वो दूसरी स्टेज रहती है, उधर पहुंच जाता है, जहां पे लिवर एंजाइम्स भी बढ़ जाते हैं। और तभी भी अगर कुछ हम लोग नहीं करते तो वो आगे जाके सिरोसिस या फिर लिवर कैंसर, ये दोनों चीजों में भी बदलाव हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग सही वक्त पे, जब वो फैटी लिवर है, जहाँ पे वो रिवर्सिबल है, हम लोग ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट के लिए कोई खास दवाई नहीं, मेन चीज जो है, जो दवाई खाने से काफी मुश्किल है, वो है एक्सरसाइज करना, रेगुलरली एक्सरसाइज करना और खाने पे ध्यान रखना। रेगुलर एक्सरसाइज मतलब हर आदमी, औरत, सबको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। हर रोज 30 से 45 मिनट चलना इज बेयर मिनिमम, उतना भी करे तभी भी काफी हो जाता है। और खाने पे ध्यान रखना, मतलब फ्राइड खाना जो घी तेल से भरा हुआ है पूरा, या फिर जो फास्ट फूड रहता है, वो सारा खाना कम करना है। शुगर, ये सब सारी चीजें कम करनी है। ये करने से फैटी लिवर जो है कम हो जाता है। ये एक माइल्ड स्टेज है एक बड़े डिजीज की। अगर आज के डेट में देखा जाए तो हम लोग जब सिरोसिस की बात करते हैं, लिवर सिरोसिस, तो सबके दिमाग में सिर्फ शराब आ जाती है कि शराब की वजह से लिवर सिरोसिस होती है। पर आज का डेटा देखा जाए तो पूरी दुनिया भर में मेन कॉज ऑफ लिवर सिरोसिस अभी शराब नहीं रहा, अभी वो फैटी लिवर हो गया है। तो फैटी लिवर जो है उसके साथ रह सकते हैं, पर कब, जब हम लोग वो इनिशियल स्टेज में रिवर्सिबल जब रहता है तभी बराबर उपचार करें उसका, जो कि एक्सरसाइज और डाइट है। अगर वो थोड़ा आगे बढ़ के नैश हो जाए तभी भी एक्सरसाइज और डाइट तो मेन रहता ही है, और उसके साथ कई बार विटामिन ई की दवाई या फिर कई और एक दो दवाई रहती है, वो भी दी जा सकती है, पर मेन है एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल। फैटी लिवर जो है वो चर्बी डिपॉजिट हो जाती है लिवर के आजू बाजू में। बेसिकली भारतीय पॉपुलेशन में अगर आप देखोगे
तो हमारी एक टेंडेंसी रहती है जहां पे हम लोग का मोटापा सिर्फ पेट के आजू बाजू में रहता है, हाथ पैर दुबले रहते हैं पर पेट बढ़ते जाता है, वो एक खराब किस्म का मोटापा है, उसे विसरल ओबेसिटी भी कहते हैं। विसरल मतलब जो हमारे अंदरूनी ऑर्गन है उनके आजू बाजू में फैट डिपोजिशन, लिवर में जो फैट डिपोजिट हो जाता है वो फैटी लिवर है। तो वो प्रिवेंट करने के लिए एक्सरसाइज एंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब कि प्रॉपर खाना, सही वक्त पे खाना, सही तरीके का खाना खाना, जिसमें हमारा नॉर्मल रोटी सब्जी चावल दाल ये सब चीजें हो जाती है। पर आजकल लोगों को टाइम नहीं है बराबर खाने से, तो बाहर का खाना होना या फिर फास्ट फूड, पैकेज फूड, ये सारी चीजों में फैट परसेंटेज, कोलेस्ट्रॉल काफी ज्यादा रहता है, या फिर काम के प्रेशर की वजह से चलने फिरने का टाइम नहीं मिलता, एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता। तो ज्यादा टाइम नहीं, बस अगर रोज 30 से 45 मिनट अगर निकाल सके हफ्ते के 7 में से 5 दिन भी, तभी भी ये इतना काफी है जिससे फैटी लिवर ना हो जाए। लिवर को लॉन्ग टर्म हेल्दी रखने के लिए हमें कोई भी ऐसी चीजें खानी या करनी नहीं चाहिए जिससे लिवर को नुकसान हो सके। तो शराब एक चीज है जिससे लिवर पे काफी नुकसान हो जाता है, काफी दवाइयां रहती है जिससे लिवर खराब हो सकती है, फैटी लिवर एक रहता है, फैटी लिवर जिसमें हम लोग जब एक्सरसाइज नहीं करते या फिर खाने पीने पे ध्यान नहीं रखते, ज्यादा फ्राइड ऑयली खाना रखते तब फैटी लिवर हो सकता है। बाहर का जब हम लोग पानी पीते हैं, अगर वो पानी बराबर उबला नहीं हो या खाना बराबर से पका नहीं हो, जिसमें अगर इन्फेक्शन हो गया तो हेपेटाइटिस ई ऐसी बीमारियां भी हो सकती है। हेपेटाइटिस बी और सी ये भी लिवर के वायरसेस रहते हैं जो कि नीडल शेयरिंग ड्रग यूजर्स में या फिर अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट ये सारी चीजों से फैल सकती है और इससे भी लिवर डैमेज हो जाता है। तो ये सब कॉमन चीजें रहती है जिससे लिवर डैमेज हो सकता है। और लिवर हेल्दी रखने के लिए इसलिए वी हैव टू हैव प्रॉपर गुड डाइट, गुड फूड, बॉइल्ड वाटर एंड सेफ हाइजीनिक प्रैक्टिसेस।